हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर वहां के क्षेत्रीय विधायक से मिले थे। क्षेत्रीय विधायक ने उन्हें बोला था कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी मुलाकात करवाऊँगा और नियमितीकरण के ऊपर बात की जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मैं पूरा दिखाने वाला हूँ क्या बात हुई थी। आप वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। ठीक है, विधायक माननीय अनिल जैन जी द्वारा आप लोगों को अभी एक महीने पहले जो ज्ञापन दिया गया उसमें आपने मांग रखी थी कि भोपाल के प्रतिनिधिमंडल द्वारा हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए, तो कहां तक ये पूरा हो पाया है या नहीं? जी, मैं अनुपमा सूत्रकार, महिला जिला अध्यक्ष निवाड़ी। माननीय विधायक जी ने तो कहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनने मामा जी की तरह ही उन्होंने भी झूठे वादे किए। जैसे मामा जी ने दिखाए हैं सपने कि भाई मैं आप लोगों का मामा हूँ, भांजियो भांजियो, वही आज हमारे विधायक जी अनिल जैन जी ने किया है। लेकिन हम फिर भी थोड़ी आशा रखते हैं उनसे कि वो मिलवाएंगे। लास्ट बार हम लोग उनसे मिलेंगे, एक दो दिन में उन्होंने कहा है, और उसके बाद यदि वो नहीं मिलवाते हैं तो हम यही निवाड़ी में या पृथ्वीपुर में विशाल आंदोलन करेंगे। अब हम हटेंगे नहीं, भूख हड़ताल पर हम मजबूर हैं क्योंकि अब बहुत परेशान हो चुके हैं। मामा जी से क्या चाहते हैं? मामा जी से बस यही चाहते हैं कि भाई हम लोग भी तो यहीं के हैं, मध्य प्रदेश के। मामा जी तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं तो भाई इन लोगों को क्या नौकरी देना है, हम लोगों का तो वे नाम ही नहीं लेते हैं, और मामा जी बनते हैं तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? मामा जी से बस हमारी ये की है कि हम भी तो आपके भांजे भांजी आए हैं, आप क्यों कहते हैं मेरे भांजियो भांजियो, हम तुम्हारे लिए नौकरी करेंगे। लेकिन मामा जी, आज हमें आपसे पूछते हैं कि आपने अतिथि शिक्षक बहनों और भाइयों के लिए क्या किया है? हम लोग आज बहुत बिल्कुल बाहर है और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आप हमें बताइए हम लोग क्या करें। सवाल है, अब मामा जी से मांग नहीं है, सिर्फ सवाल है, और हमारे सवालों का अब मामा जी को जवाब देना पड़ेगा। यदि उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं तो उन सवालों का जवाब ही हमें पता है और उनके जवाब अब हम लोग मामा जी को देंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हरिओम साहू, अतिथि शिक्षक, जिला निवाड़ी, ब्लॉक पृथ्वीपुर से। मैं माननीय मामा जी से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे मामा हैं, अपने भांजे भांजियों का ख्याल रखते हुए जो शिक्षक अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं आपकी ट्रांसफर नीति के कारण, ये कौन सी नीति है, कौन सा नियम है, समझ में नहीं आता है। एक तरफ आप वादे करते हैं कि हम आपको अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनाएंगे, विभागीय परीक्षा कराएंगे, दूसरी तरफ आप हम लोगों को बिल्कुल इस निगाह से देखते हैं जैसे हम आपके सगे भांजे नहीं है, बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर दिया। तो ऐसा व्यवहार हटा करके आप हम लोगों को अपना भांजा भांजी मानते हुए हम सभी लोगों के लिए जो अतिथि शिक्षक की नौकरी से पद स्थायी करते हुए विभागीय परीक्षा करवाएं, यही हम लोगों की मांग है। अगर नहीं होता है तो विरोध में तो केवल हमारा यही शब्द है कि जो हमारी सुनेगा।